हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है कि भैया चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, कैसे उसमें एडमिशन होगा, जेई मेन से होगा, नाटा से होगा, ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो अभी इसका जो है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप कह सकते हो वो निकल के आ चुका है। हाँ, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के रिगार्डिंग अभी कोई डेट्स का नोटिस नहीं है, आपके जेई मेन पेपर 2 के रिजल्ट्स के बाद ही स्टार्ट होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के अब क्वेश्चन आ जाएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, भैया कि जेई मेन पेपर 2 का रिजल्ट्स कब आएगा। तो भैया जेई मेन पेपर 2 का रिजल्ट्स आपके एडवांस के रिजल्ट्स के साथ ही आने की अब लगती है उम्मीद है, ठीक है। लेकिन वो आपके जोसा काउंसलिंग से पहले आ जाएगा, आपको इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है कि भैया हम नाटा से एडमिशन ले लेंगे कहीं पे, या फिर सीट बुकिंग करा लेंगे, कल को मेरे को जेई से कहीं पे सीट मिल जाता है तो क्या हम अपना एक्सचेंज करा सकते हैं। बेसिकली आप करवा सकते हो, जहां भी अगर आप किसी काउंसलिंग के थ्रू अगर एडमिशन वगैरह लेते भी हो तो वो आपका रिफंडेबल चार्ज होता है, ठीक है। अगर आप कॉलेज से बात कर लो कि हाँ जो भी कॉस्ट हम दे रहे हैं या फिर जो भी सीट बुकिंग चार्ज दे रहे हैं वो रिफंडेबल होना चाहिए, ठीक है। अभी आपके जेई मेन का जो भी डेट्स है, जो भी एडमिशन का लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है वो 30th of सितंबर है, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आपकी एडमिशन होगी। तो अभी लंबा टाइम है हमारे पास। बाकी हम एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, आज से कुछ दिन पहले हमने कहा था कि हम आपका एक काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इंडिविजुअली बात करके उन बच्चों से बात करेंगे। तो एक्चुअली आपने जो पिछली बार रजिस्ट्रेशन किया था, जो कि कल होने वाला है, 24th को होने वाला है, वो रजिस्ट्रेशन में कुछ इशू आ गई है, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इंडिविजुअली रजिस्टर करना पड़ेगा। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लो। अगर आपने आपका रजिस्ट्रेशन उसमें किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ है तो कर दो। आज रात 12 बजे तक आप लोगों को शेड्यूल, नेम और साथ में जो भी आपका नेम होगा, नेम के साथ आपको गूगल मीट का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और टाइमिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। 30-30 स्टूडेंट्स का हमने पैनल बनाया है, आपको नाम और साथ में आपका ईमेल आईडी सुबह सुबह जब आप सो के उठोगे तो आपके ईमेल पे मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या अवेलेबल है, एग्जिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की, तो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की अगर हम एग्जिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें तो 12th में आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, ठीक है, 12th। और या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो मैथ के साथ आपका डिप्लोमा कंपलसरी है, मैथ सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर फॉर एडमिशन, जो एडमिशन आप पूछते हो भैया नाटा से होगा कि जेई मेन से होगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन रिजल्ट। तो जेई मेन का जो रिजल्ट होगा उसकी बेसिस पे आपका जो NTA रिजल्ट देगा उसी के बेसिस पे चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में आपकी एडमिशन होगी। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया सीट कितनी रहती है, मतलब कैसे कैसे सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर मैं चंडीगढ़ कोटा की बात करूं तो चंडीगढ़ कोटा में आपके 33 सीट्स रहेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट्स बिलोंग करते हो तो आपकी इतनी रहेगी। अगर आप जनरल EWS से भरे हो फॉर्म, अगर आपने जेई मेन भर रखा है तो आपकी 4 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कश्मीर माइग्रेंट हो तो 4 सीटें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ओपन कैटेगरी अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल के आउट ऑफ स्टेट के लिए बच्चों के लिए 5 सीटें खाली है, ठीक है। अगर शेड्यूल कास्ट की बात करूँ तो उनके लिए 1 सीट खाली है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बेसिकली बिलोंग करूँ अगर आउट ऑफ स्टेट्स की, तो उनकी जो सीट्स है वो टोटल 9 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है। अभी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है कि आपका कब से चालू होगा चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ चंडीगढ़ इंजीनियरिंग का, लेकिन इन्होंने ना ये अवेलेबल कर दिया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कि इस बार जो पेपर है वो आपका जेई मेन के थ्रू ही एडमिशन होगा, ना कि आपके नाटा के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। तो वेट करते हैं हम जेई मेन के रिजल्ट का, प्लस इसके काउंसलिंग के डेट्स अवेलेबल होने का। इसका काउंसलिंग का डेट कब अवेलेबल है, एक जोसा के साथ साथ अवेलेबल होगा। जैसे ही जोसा की काउंसलिंग ओपन होगी साथ साथ में आपकी चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है।
जो भी इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट चाहिए होगा, जो भी मैसेज चाहिए होगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। बाकी आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट्स होगी आपको हमारे चैनल पे अपडेट तुरंत तुरंत मिलती रहेगी।